हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है हर्षित। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मेरे चैनल को काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगा। अभी हम हिस्ट्री विटनेस कर रहे हैं। स्ट्रेस्ड फील करना, फ्रस्ट्रेटेड फील करना और कुछ समझ में नहीं आए कि हम आगे क्या करें, ये न्यू नॉर्मल हो चुका है। और इस सिचुएशन में अगर हम किसी भी चीज़ की अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाते हैं तो सचमुच ये किसी ब्लेसिंग, किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। मैं एक छोटी सी शायरी आपसे शेयर करता हूँ कि मुसीबत में भी जीने का बहाना ढूंढ लेते हैं, कड़कती बिजलियों में भी आशियाना ढूंढ लेते हैं। फलसफा सीखना है उन परिंदों से जो कूड़े में पड़ा गेहूं का दाना भी ढूंढ लेते हैं। मतलब अभी वही सर्वाइव अच्छे से करेगा जो इस मुसीबत के माहौल में भी कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ मौका ढूंढ पाएगा। और मुझे लगता है ये पांच किताब के बारे में जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें से पांच में से चार किताब मेरी मम्मी ने सजेस्ट किया है। और इन पांचों किताब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर कोई भी किताब आपको पसंद आए तो एक पिक कीजिए, एक दो लाइन दिन के भी पढ़ लीजिए तो सफिशियंट है। बुक नंबर 1, सेलिब्रेटिंग लव बाय श्री श्री रविशंकर। ये किताब से मैं किसी रिलीजन या किसी फिलॉसफी को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे फीलिंग्स पे इस किताब के बारे में एक एक पेज लिखा हुआ है। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे डिस्कम्फर्ट, एंगर, कंट्रोल, कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, विक्ट्री। एंड आई वुड लाइक टू रीड वन ऑफ द पेज फ्रॉम दिस बुक। पेज नहीं है, एक छोटा सा पैराग्राफ है, ऐसे ही ये थ्रू आउट बुक्स हैं। एंड दैट इज चैप्टर 1, द यू दैट यू वॉन्ट टू चेंज। To love someone whom you like is insignificant. To love someone because they love you is of no consequence. To love someone whom you do not like means you have learned a lesson in life. To love someone who blames you for no reason shows that you have learned the art of living. ये बहुत ही अनोखी किताब है। बस एक पेज भी पढ़ लीजिए या एक पैराग्राफ भी पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशियंट है उस थॉट, उस डिप्रेशन, उस एंग्जाइटी को ओवरकम करने के लिए। एंड बुक नंबर 2, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। ये किताब की अनोखी बात है जो मैं हर लोगों से जब कभी मिलता हूं तो शेयर करता हूं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक पिटारा है, एक स्टोरेज है। राइटर ने खुद इस किताब के बारे में लिखा है कि अगर हम अपने दिमाग को इस तरह से सोचे कि ये एक गार्डन है जिसमें हम अपने थॉट्स के थ्रू बहुत सारे प्लांट्स लगाते हैं, मतलब हम दिन में 10 चीज़ें सोचते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता जाता है और वो थॉट हमें अपने जीवन में बहुत काम करने में मदद करता है। कभी कभी ऐसा फील करते हैं कि अरे ये चीज़ मैंने सीखा ही नहीं था और मैं उसको कर दिया। कैसे? दैट इज़ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और इस किताब में सेल्फ हीलिंग और मेंटल स्ट्रेंथ के थ्रू बहुत सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। एंड दिस बुक इज़ एन इंटरेस्टिंग रीड अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना चाहते हैं और उससे हम बहुत कुछ कर पाते हैं। एंड थर्ड बुक इन द लिस्ट इज 13 थिंग्स दैट मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू। ये किताब मेरी मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया जब मैं मुंबई से अपने घर लॉकडाउन में आया था। और मेरी मम्मी ने देखा कि मैं यहाँ पर आने के बाद जब ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है तो मैं काफ़ी सेल्फ आइसोलेशन में चला गया था और एक अजब सी मतलब चीज़ों से घिर गया था और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। उन 13 चैप्टर्स में से उस टॉपिक को उठा के पढ़ना शुरू किया जो लगा कि जिसको मैं अभी लैक कर रहा हूँ और जो मेरे अंदर अभी कमी है। जिसमें चैप्टर 1 है, मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्व्स। चैप्टर 2 है, They don't give away their power. Chapter 3, they don't shy away from change. Chapter 4, they don't focus on things they can't control. मुझे ये किताब बहुत हेल्प की है दोस्तों। अगर आप इन 13 पॉइंट्स में से, 13 चैप्टर्स में से अगर आपको कुछ रेजोनेट करे तो ज़रूर खरीद लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड द फोर्थ बुक, एंड दैट बुक इज हाउ टू टॉक टू एनीवन। मेरे लिए तो ये एक चमत्कारी बुक है जो सचमुच मैं पढ़ता हूँ और हर दिन एक अगर आप चैप्टर भी पढ़ लीजिए तो बहुत बहुत काम करता है। और इसे लिखा है लील लाउंडस ने और इसकी बहुत अनोखी हेडिंग है जो मैं आपको बताऊँ कि व्हाट डू आई से आफ्टर आई से हेलो, हाउ टू बी एन इनसाइडर इन अ क्राउड, मतलब किसी भीड़ का हिस्सा कैसे तुरंत हो जाए। तो ये बहुत अनोखा बुक है। अगर आप इसे एक पेज भी ऐसे एक ट्रिक भी जानते हैं और किससे शेयर करते हैं तो बहुत मैटर करता है। 92 दिन में आप 92 ट्रिक सीखेंगे जो बहुत लोगों से शेयर कर पाएंगे। और जो लास्ट किताब मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ ये मेरे लिए काफ़ी पर्सनल है।
मुझे लगता है ये बुक बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए, एंड दैट बुक इज ड्रीम विथ योर आईज ओपन। इसे लिखा है रोनी स्क्रूवाला ने, और ये किताब मुझे बताता है कि कैसे अपने एंटरप्रेन्योर स्किल को आगे ले जाएं, कैसे अपॉर्चुनिटी हर एक छोटी चीज़ में ढूंढें, और कैसे अपने विल पावर को इतना स्ट्रांग रखें कि अगर हमें कोई सपोर्ट नहीं भी कर रहा हो, अगर हम किसी क्राउड का हिस्सा नहीं भी हैं, तो उस क्राउड में पहुंचकर क्राउड के लीडर कैसे बन जाएं, वो सारी चीज़ें इस किताब में दी हुई है। आपको अगर लगता है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप में अपने लाइफ के आगे की जर्नी को ढूंढना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीड है। ये था मेरा 5 सजेशन, वो 5 किताब जो अगर आप बुक रीडर नहीं भी हैं, अगर आपने ज़िंदगी में कभी भी एक किताब नहीं भी पढ़ी है, तो इन 5 किताब में से किसी एक किताब को भी उठाकर एक पन्ना भी पढ़ेंगे, आई कैन गारंटी यू कि आप बहुत सारी चेंजेस फील करेंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन एक न्यू नॉर्मल होने वाला है, उससे डील करने के लिए हमें अपने आप को ट्रेन करना होगा, एंड दीज आर द मीडियम्स बाय विच वी कैन ट्रेन आवरसेल्फ।